नमस्कार, खबर जरा हटके में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ प्रीति और आज बात करेंगे एक ऐसी जगह की जहाँ पर सिर्फ महिलाएं ही संभालती है दुकान। जी हाँ, जिन राज्यों या क्षेत्रों में समाज मातृसत्तात्मक होता है उसके प्रभाव को आज भी महसूस किया जाता है। सुदूर पूर्व के मणिपुर में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल सकता है। उत्तर पूर्व भारत के छोर पर स्थित है मणिपुर का इमा कैथेड्रल, जहाँ केवल महिलाएं ही है दुकानदार। मणिपुरी भाषा में इमा का मतलब होता है माँ और कैथेड्रल का मतलब होता है बाजार। यहाँ के बाजार की नींव 1533 में रखी गई थी और तब से आज तक यहाँ केवल महिलाएं ही दुकानदार होती हैं। ये बाजार पूरी तरह से महिला प्रधान बाजार है, यानी बाजार का पूरा संचालन महिलाओं के हाथों ही होता है। लगभग 4000 दुकानों वाले इस मार्केट में एक भी पुरुष काम नहीं करता। पूरे एशिया में महिलाओं का इससे बड़ा मार्केट कोई दूसरा नहीं है। इस मार्केट को मदर्स मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। मैदानी इलाकों में रहने वाली महिलाओं के साथ साथ दूर दराज पहाड़ी इलाकों में रहने वाली आदिवासी महिलाएं भी ताजी सब्जी, फल, मछली आदि बेचने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में आती हैं। इस बाजार में पटरी पर सामान बेचने वाली अधिकांश महिलाएं बिष्णुपुर, उखरुल, सेनापति, चंदेल, तामेंगलोंग, चुरा, चांदपुर जैसे जिलों से आती है। इनमें से कुछ महिलाएं तो पटरी पर बैठकर अपना सामान खुद बेचती हैं, वहीं कुछ महिलाएं अपना सारा सामान दुकान वाली महिलाओं को बेचकर अपने घर चली जाती हैं। इस बाजार के होने के पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल 16वीं शताब्दी में जब यहाँ राजा का शासन हुआ करता था तो राजा के द्वारा अधिकांश पुरुषों को या तो युद्ध के लिए भेज दिया जाता था या फिर चावल की खेती करने के लिए बाहर भेजा जाता था। घरों में अकेली औरतें बसती थी। वे औरतें खेती का काम भी करती थी और साथ ही अपनी दुकानों पर भी बैठती थी। धीरे धीरे औरतों की ये दिनचर्या उनकी परंपरा में शामिल हो गई। आज इस बाजार में काम करने वाली लगभग 4000 महिलाएं अपने परिवार की अर्थव्यवस्था चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। यहाँ की महिलाओं की आत्मनिर्भरता प्रेरणा देती है उन महिलाओं को जो अपने जीवन में कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं।